रोक रहे थे। देखिए अंतों का तो वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा, आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर लालू यादव पर अटैक किया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि गया में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, राम मंदिर बने, 370 हटे, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए लालू यादव पर। तो वही अब इसका करारा जवाब देते हुए नजर आए हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अमित शाह बिहार दौरे करने आए हैं तो बिहार को स्पेशल पैकेज देकर जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर जाए। उन्हें मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है उसे खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये बता दें आपको कि अमित शाह पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो सुने। सर तेजस्वी जी, अमित शाह आए और सीधे लालू प्रसाद यादव पे अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे, 370 रोक रहे थे। देखिए अंतों का तो वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बिहार की तरक्की की बात नहीं करेंगे, भागेंगे और फिर अपना जो पुराना एजेंडा है वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृह मंत्री हैं, भारत सरकार में आपका अहम रोल रहा, आप बिहार के लिए जितने भी वादे पूरे किए थे, मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में नहीं बोल, आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियां दी, अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म किया, इस पे किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे, वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है, अब कैसे खुल गए दरवाजे, इस पे भी नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग तो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आज भी हम जा रहे हैं तो अपनी 17 महीने में जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने जो नौकरी दी 5 लाख, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने जो मानदेय बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो किया, प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो रुका हुआ था उसको हम लोगों ने काम कराया, रोड सड़क पुल जो हम लोगों ने बनाया, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, गुणवत्ता शिक्षा में हो, इसके लिए हम लोगों ने काम किया। रात रात भर अस्पताल पे छापे मारते थे कि डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए, और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट रहे, हम कलम बांटने की बात कर रहे, वो तलवार बांट रहे। यही ना मेन अल्टीमेटली है कि हम हिंदू मुसलमान करा करके जो 10 साल से इन लोगों ने काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने आय दुगुना कर रहे थे किसानों का, उससे भागना है, सवालों से बचना है, उधर ध्यान भटका दो हिंदू मुसलमान में, लोग नौकरी नहीं मांगेगा, लोग नहीं महंगाई के बारे में पूछेगा, यही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन लोगों का और कोई काम है?
अर्थव्यवस्था को लेकर भी अमित शाह पर निशाना साधते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें बिहार से कोई वास्ता नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार की समस्या से उन्हें कोई मतलब नहीं है, रोजगार नहीं देना इन्हें, बस सिर्फ लालू परिवार का जिक्र करना। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार दौरे पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, तो बिहार को स्पेशल पैकेज देकर जाए, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देकर जाए। बता दें आपको कि एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, तो वही गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे श्री पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।